Let's discuss the important questions of uh, BPCC 112 organizational behavior. Here you have uh, four blocks and uh, 13 units. Let's discuss one by one unit. First unit the important question is define organizational behavior and discuss its historical antecedents and characteristics of. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और इसके कैरेक्टरिस्टिक ये मेनली आपको बस पता होने चाहिए दूसरा है आपका सेकेंड यूनिट डिस्कस द कंटेम्प्रेरी इशूज़ एंड चैलेंजेस ऑफ ओ बी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के आपको अभी के जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ और चैलेंजेस हैं ये आपको बताने हैं और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोल्स ऑफ ऑपरेशनल सॉरी Uh, goals of organizational behavior next move to third unit the block number two here we have the question types of organizational citizenship behavior fourth unit define work values and describe its relevance for an effective organization second question in unit four we have described the salient features of indian social and cultural values तो जनरली आपको इस यूनिट में वर्क वैल्यू के ऊपर पढ़ना है ठीक है इसे कोई भी क्वेश्चन आए अपना आंसर तैयार रखिए वर्क वैल्यू के ऊपर कि इफ़ेक्टिव uh, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क वैल्यू का कितना रोल होता है और इंडियन uh, सोशल और कल्चरल वैल्यू जो हैं इनके सलाइंट फीचर्स या कैरेक्ट्रिस्टिक्स क्या हैं ठीक है फिफ्थ यूनिट इसमें आपको वर्क मोटिवेशन के ऊपर पढ़ना है इस तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि डिफाइन वर्क पहला तो वर्क क्या है फिर आप वर्क मोटिवेशन क्या है वो बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिव्स ये आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकता है एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक मोटिवेशन ये क्या होता है पूछ सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको मोटिवेशन क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए और साथ ही थियरीज ऑफ मोटिवेशन बताइए ठीक है जो थियोरीज़ हैं कोई भी थियोरी पूछ सकता है या फिर ओनली थियोरीज पूछेगा तो आप अपने से लिखिएगा जैसे कि इसमें कंटेंट थियोरी है प्रोसेस थियोरी है री इन्फोर्समेंट थियोरी है ना और इसके अंडर में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि मैस्लो का जो हिरारकी वाला थियोरी होगा ये कंटेंट थियोरी में आता है तो इसी तरह से आपको मोटिवेशन की जो थियोरीज़ हैं इसे गो थ्रू होना पड़ेगा ठीक है मोटिवेशन से क्वेश्चन आता है सो मोटिवेशन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ ही थियोरीज कंटेंट थियोरी प्रोसेस थियोरी री इन्फोर्समेंट थियोरी इसके अंडर आपको देखना है कि क्या है फिर हम आते हैं यूनिट सिक्स में इसमें आपको क्या पढ़ना है स्ट्रेस के ऊपर पढ़ना है स्ट्रेस तो इससे क्वेश्चन हो सकता है कि डिफाइन कीजिए स्ट्रेस को साथ ही डिस्कस कीजिए सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस क्यों स्ट्रेस मतलब इसके सोर्स क्या है क्यों होता है हमें स्ट्रेस और इससे इफ़ेक्ट क्या हो सकता है और साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट के टेक्निक्स बताइए तो टेक्निक्स में आप जो है लिख सकते हैं योगा मेडिटेशन लिख सकते हैं अपने टाइम को मैनेज करेंगे तब भी हमें स्ट्रेस लो होगा तो टाइम मैनेजमेंट होगा माइंडफुलनेस हो सकता है अगर काम को हम माइंडफुली करते हैं तो भी हमें स्ट्रेस फिर आगे चल के नहीं होती है और रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम वर्क के बीच में अगर हमारे रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमारे पास है तो भी हमें स्ट्रेस नहीं होती है इसके साथ ही ब्लॉक टू कंप्लीट हो जाता है मूव टू ब्लॉक नंबर थ्री साथ ही आपको पी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा सो नो वर इज़ अबाउट दैट सो ब्लॉक नंबर थ्री वी हैव द क्वेश्चन इन यूनिट सेवन दैट इज़ द कम्युनिकेशन डिफाइन कीजिए इम्पॉर्टेंस बताइए टाइप्स बताइए और कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है वो क्या है वो बताइए एक और क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन पिछले साल इसका आपको शॉर्ट नोट पूछा था फिर भी आप ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इसे देख लीजिए और इसके टाइप्स देख लीजिए साथ ही कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं ये जान मतलब आप देखिएगा ये आसान है मतलब बैरियर्स कम्युनिकेशन में वार्तालाप में आपके बैरियर्स कौन से हो सकते हैं फिजिकल बैरियर भी हो सकता है अगर डिस्टेंस कोई दूर है तो कम्युनिकेशन थोड़ा सा वहाँ पे अटकता है नॉइज़ बहुत ज़्यादा है या टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेशन में वो एक बैरियर होता है साथ ही साइकोलॉजिकल बैरियर में आप जो फियर वगैरह होता है कम्युनिकेशन एक आदमी नहीं कर पाता फियर से आ, या फिर शर्माता है तो वो चीज़ है कुछ और अदर वैरियर्स भी हो सकते हैं जैसे कि लिंग्विस्टिक मतलब लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज वाला बैरियर अगर मैं यहाँ पे तेलुगु में बोलने लगूँ तो आपको नहीं समझ में आएगा अगर ओड़िया में बोलने लगूँ तो नहीं समझ आएगा जो ओडिशा से हैं बस वही समझेंगे तो इसलिए लिंग्विस्टिक बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन में एक बैरियर है कल्चरल बैरियर भी होता है और सोशल बैरियर भी हो सकता है इसके साथ यूनिट uh, सेवन हमारा कंप्लीट हो जाता है यूनिट एट पे आते हैं इस पर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड बेसिस ऑफ पावर तो इसमें जनरली आपको पावर के ऊपर ये यूनिट है तो पावर का कॉन्सेप्ट और बेस आपको पता होना चाहिए साथ ही आपको पता होना चाहिए टैक्टिक्स क्या हैं इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और आपको पूछ सकता है कि इम्प्रेशन मैनेजमेंट के टेक्निक्स बताइए ठीक है ये न्यू न्यू कॉन्सेप्ट लग रहा है आप इन्हें देखिएगा ठीक है पावर के कॉन्सेप्ट बताइए टैक्टिक्स क्या है इसके टाइप्स बताइए और इम्प्रेशन मैनेजमेंट ये क्या है और इसकी टेक्निक्स क्या है ये आपको यूनिट एट में मिल जाएगा यूनिट नाइन में ये लीडरशिप के ऊपर ये यूनिट पूरा है आपका लीडर और लीडरशिप तो इसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए लीडरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसमें चार थियोरीज़ हैं मेनली एक है बिहेवियरल एक है कॉन्टिजेंसी एक है ट्रांजैक्शनल और एक है ट्रांसफॉर्मेशनल तो ये चारों थियोरीज आपको पता होनी चाहिए तो लीडरशिप से कोई भी क्वेश्चन आए आपको आंसर यही करना है कि लीडरशिप का कॉन्सेप्ट आपको बताना है लीडर Leader और लीडरशिप के के बीच क्या संपर्क होता है वो लिखना है और आपको ये चारों थ्योरीज के बारे में एकदम से वहाँ पे कॉपी में भर देना है ठीक है चारों थ्योरीज आपको मतलब यूट्यूब में कहीं पे भी आप लीडरशिप का ये थ्योरीज पुट करेंगे तो आपको आ जाएगा अगर इस यूनिट से क्वेश्चन आता है आसानी से आप लिख दीजिएगा यूनिट टेन में है आपका क्वेश्चन डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है और एडगर शीन ने जो है इसका क्या मॉडल दिया है बस ये ठीक है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और सीन्स मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये है आपका यूनिट टेन में साथ ही ब्लॉक थ्री कंप्लीटेड। ब्लॉक फोर पे आते हैं यूनिट नंबर इलेवन वी हैव द क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस। ये दो चीज़ क्या है? ठीक है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और रेजिस्टेंस। तो जब चेंज होता है तो तभी हम जो है क्या करते हैं ना रेजिस्ट करते हैं हमेशा आपको पता ही है कि कभी भी कोई चीज़ न्यू आती है किसी चीज़ में बदलाव होता है तो शुरुआत में एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है तो हम उसे फिर रेजिस्ट करते हैं उसे रेजिस्ट करते हैं उसका विरोध करते हैं पर फिर धीरे धीरे जब हमें उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं तभी हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं यह सभी के साथ होता है तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से हमारा चेंज होता है और फिर कब रेजिस्टेंस होता है और इसके ऊपर लिखते हुए आप के बुक में ही दिया हुआ है एक एग्ज़ाम्पल नोकिया नोकिया मोबाइल का ठीक है तो वो आप यहाँ पे ये यह पढ़ लीजिएगा और ये एग्ज़ाम्पल भी आप नोकिया मोबाइल का दे सकते हैं यूनिट टवेल्व डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या है डिस्कस द वेरियस मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट साथ ही आपको बताने हैं इल्यूसिडेड द इंटरवेंशंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट ठीक है यूनिट थर्टीन में आपको पढ़ना पड़ेगा पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अब तक तो आपने ऑर्गेनाइजने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ा यहाँ पे आप बताइएगा कि पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये क्या होता है और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या हैं पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जैसे कि मतलब आप अपने वर्क प्लेस में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे पॉजिटिव जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है अब जनरली आप जनरल जनरल लाइफ को समझते हुए लिखिए अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो साइकोलॉजी ऐसा है कि आप अपने लाइफ से चीज़ों को सोच के कनेक्ट करके बस उन्हें ही लिख के आइएगा कुछ गलत नहीं होगा जिसने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा कुछ नहीं आता है ठीक है तो जैसे कि यहाँ पे आपको पूछा है कि पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तो इसमें आप अपनी लाइफ से कनेक्ट कीजिए कि मतलब कैसे 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 बिहेवियर्स होते हैं जो हमारे लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लाते हैं सिंपली अगर हम होप रखते हैं हम हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है अगर हमारे अंदर रिजिलियंस है है ना तो इन चीज़ों से हो जाता है बस इतना ही आप पी डाउनलोड कीजिए और अपना आंसर्स रेडी कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस के